What's up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome to a ride day. Today we start our ride to Ladakh. Today is day 1, 4 AM in the morning. मुझे अभी सुमित को मिलना है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे और वहाँ से हम लोग साथ में राइड करेंगे. आज हमारा टारगेट है मनाली, जैसे हर बार होता है 600 किलोमीटर्स ऑन द ब्लैंका मनाली पहुँचेंगे. वही शाम के 7-8 बजने ही हैं आज राइड करते समय. सो फुल डे राइडिंग एंड आगे 10-12 दिन के लिए फुल ऑन एडवेंचर आने वाला है. आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया जगहें. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड एंजॉय द राइड. मैंने एक्चुअली बाइक को साफ नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है आज क्या होना है हमारी ब्लैंका के साथ. मनाली का रास्ता फुल ऑफ मिट्टी, डस्ट, कीचड़, सब कुछ होना है रास्ते में. सो मैं इस बाइक को साफ करने का मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा आज. बाइक साफ करने का प्लान मेरा कल सुबह का होगा, जिस्पा के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द लगेज सेटअप डेट आई एम यूजिंग फॉर द राइड. आई एम यूजिंग अ टॉप बॉक्स, आई एम यूजिंग अ मैक्स बैग फ्रॉम डर्ट सैक एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन अ राइड आई एम यूजिंग अ टैंक बैग. अब टैंक बैग मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता यूज़ करना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हैंडल की मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती है. बट इस बार मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, लैपटॉप, ड्रोन, इंस्टा 360, ये सब सामान करके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसके लिए टॉप बॉक्स मुझे यूज़ करना ही था. पहले मैंने सोचा था मैं टॉप बॉक्स नहीं यूज़ करूँगा, बट टॉप बॉक्स ये रहा फिर से. इट्स बैक ऑन द बाइक. दैट इज़ आर न्यू AJV हेलमेट दैट वी विल बी ट्राइंग आउट ऑन दिस राइड. अभी हुआ है टाइम 4:15, सो 40-45 मिनट्स राइड करते हैं. सुमित से मिलते हैं एंड वी विल राइड टुगेदर. ओके, लेट्स गो टू लद्दाख गाइस, लेट्स गो टू लद्दाख. सो जीरो कर दिया है ट्रिप को हमने. ये वाली राइड होने वाली है 2,500 किलोमीटर लंबी. सो ट्रिप मीटर को जीरो करना बिल्कुल बनता है, अपनी राइड को ट्रैक करना बनता है. बारिश का कोई सीन लग नहीं रहा है तो भगा लो बाइक, बिकॉज मॉनसून चल रहे हैं जैसा आप लोगों को पता है दिल्ली NCR में, तो कभी भी बारिश हो जाएगी. और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बारिश में फंस गए ना तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी. अभी इनिशियली 1-1.5 घंटे में बारिश ना मिले ना तो हमारा मोमेंटम सही बनेगा, राइड के मूड में आ जाएंगे. क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बारिश मिल जाती है ना तो बंदा सोचता है यार क्या हो रहा है यार, फालतू में कहाँ फंस गया. 120 की स्पीड अलाउड है इस एक्सप्रेसवे पे, तो हम लोग 120 सेट करते हैं और क्रूज कंट्रोल पे डालते हैं बाइक को. दिस फीलिंग इज ऑसम. राइड स्टार्ट करिए, सुबह 4:30 बजे है. सुबह देखेंगे होते हुए राइड करते समय सूरज निकलता है एक साइड से, वो नज़ारे जो होते हैं ना राइड करते हुए उनका अलग ही मज़ा है. राइड करते समय सनराइज देखने का जो मज़ा होता है, ओ वाओ. यो 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 850 GS. टाइम पे पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए भाई. चलो 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 चलो. सो इतनी तगड़ी जो बीम दिख रही है ना आपको लाइट की, वो है सुमित की बाइक से निकल रही है वो 850 GS. उस भाई ने अपनी सारी ऑक्स लाइट लगाई हुई है तो हम इसके पीछे पीछे चलेंगे. हमने तो ऑक्स लाइट का खर्चा करा नहीं है यार. हर बार का यही सीन है, ऑक्स लाइट वाले बंदे को पकड़ो और पीछे चलो. सो एक से दो हो चुके हैं, वी हैव गॉट कंपनी गाइस. खेजो तो अब हो गया है बढ़िया सीन. टाइगर 800 विद अ 850 GS फ्रॉम BMW. दैट सुमित. सुमित के साथ हम लोगों ने गोवा राइड करी है, राजस्थान राइड करी है एंड अब फाइनली वी आर राइडिंग लद्दाख, राइडिंग टू लद्दाख. एंड हमारा फर्स्ट ब्रेक पॉइंट जो डिसाइड हुआ है वो है मयूर ढाबा, विच शुड बी अबाउट 150-160 किलोमीटर फ्रॉम हेयर. तो बाइक को खींचने का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, खेच दो भगवान का नाम लेके क्योंकि आगे पता नहीं कितनी बारिश मिलनी है. सो दिस इज द लेफ्ट दैट वी टेक टू एग्जिट द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और अब हम एंटर करेंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को. तो 90 किलोमीटर ऑलरेडी डन. ये होता है अर्ली स्टार्ट का फ़ायदा. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे आपको 100 किलोमीटर की तो बहुत ही बढ़िया हेड स्टार्ट देता है और अभी हम कोशिश करेंगे कि हम एक एटलीस्ट 250 किलोमीटर ऑन द ओडोमीटर करने के बाद पहला ब्रेक लें. पानीपत सोनीपत वाला एरिया जल्दी से जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा. जैसा आप देख रहे हो ये ट्रक्स आना शुरू हो गए हैं और अब ऐसे ही रोड रहेगी अगले 25-30 किलोमीटर तक. तो ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा और क्रूशियल है जल्दी से जल्दी क्रॉस करना. मनाली जाना आसान सबको लगता है, 600 किलोमीटर जाना तो पड़ता ही अगर आपको लद्दाख की ब्यूटी एडमायर करनी है.
बट मनाली पहुंचने के लिए ना बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए. फर्स्ट डे यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, रीच मनाली अर्ली, तभी आप अगले दिन आगे जिस पर ले की तरफ बढ़ पाओगे. नहीं तो हर चीज खराब हो जाती है अगर फर्स्ट डे ठीक नहीं हुआ तो. ये जो स्पीड होती है ना, ये तभी नहीं करती जब आपका ग्रुप छोटा हो. अगर आपका ग्रुप 7-8 लोगों का हो ना तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्पीड कम निकलती है. पर अगर आपका ग्रुप छोटा हो, 2 लोग 3 लोग, देन ग्रुप राइडिंग इज ऑसम. भाई अगस्त का मौसम है, कहाँ फॉग कहाँ से आ रहा है, हल्का हल्का फॉग है, पॉल्यूशन है, स्मॉग है, व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो यार. 5:44 हो चुके हैं, 1 hour 20 minutes एंड वी हैव डन 120 किलोमीटर ऑन द ओडो. डिसेंट स्पीड यार. अभी तक आप लोगों ने अगर 850 GS ध्यान से नहीं देखी ना, अंधेरे के कारण, तो आप देख लो क्या ब्यूटीफुल लग रही है रैली पेंट स्कीम विद दोस गोल्डन स्पोक्स, ट्यूबलेस व्हील्स. और सुबह के समय हम लोग वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी डू बेस्ट, मंचिंग माइल्स. इस टाइम पे ना घंटा में माइलेज के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, चाहे जितने बजे लीटर पेट्रोल हो ना, इस समय ये सोचा जा रहा है सिर्फ कि जल्दी से जल्दी प्लेन्स खत्म करें जाए, क्योंकि उसके बाद तो यार माइलेज ही माइलेज आनी है पहाड़ों पे, आराम से चलानी है बाइक. यो 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 टाइगर की आवाज सुनो. See how my Blanca is just cruising along. 160. Whoa. Easy. 170, guys. This is a cakewalk on an ADV. Woohoo. What an adrenaline rush. Maza aa gaya, maza. Pani pe Chandigarh. चलो. गरवाड़ियां खोल दी हमने, गरवाड़ियां टाइगर की. ये कुत्ता सुसु करते हुए क्या कर रहा है ये. यार मयूर ढाबा पहुंचने का हम लोगों ने सोचा था कि 7 बजे तक पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे. अभी सिर्फ 6:10 हुए हैं. लो जी आ गए मयूर ढाबा, फर्स्ट स्टॉप ऑफ आर राइड टू लद्दाख. In exactly 2 hours, I have run 183 kilometers right now. So a good 186, I should say, a good average speed of about 93 kilometers per hour. इससे ज़्यादा expect नहीं कर सकते थे सुबह के time में. तो अच्छा distance cover हो गया है. First break लिया है, ढाबे पे कुछ खाएंगे वाएंगे थोड़ा सा. मेरा personally कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ना protein shake पिया था proper. तो basically हल्का सा थोड़ा सा maybe like एक Snickers खा लूँगा, so that मेरे को फिर से एक बार रुकना ना पड़े. मेरे रुकने के कारण सुमित को भी रुकना पड़ेगा, दो लोग रुकेंगे तो स्पीड डाउन होगी, इसलिए Snickers खाएंगे और आगे बढ़ेंगे. नंबर प्लेट अभी भी गंदी है पूरी. एंड दिस इज द 850 GS जो सुमित चला रहा है, लुकिंग स्टनिंग ऑन द सेंटर स्टैंड. ये जो गोल्डन स्पोक ट्यूबलेस टायर्स हैं बहुत बड़े लगते हैं. सुमित ने भी एक टॉप बॉक्स लगाया हुआ है, एक जीवी का बैग लगाया हुआ है. सो सिमिलर सेटअप है यहाँ पे. एंड मेरा भी सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, एक टॉप बॉक्स ट्रायम्फ का और डर्ट सैक लगेज, द मैक्स 30 बैग दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. को सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ मैं, 12:30 सोना स्टार्ट किया था, 1:30 बजे तक नींद आई, 3:30 तक नींद खुल गई. तो 2 घंटे सोए हैं और मनाली जाना है, 600 किलोमीटर्स कवर करने हैं, 186 डन. सो आई हैव बीन गिवन दिस स्पेशल रोड एक्सपेंसिव माइक बाय जसवीन जस्ट टू शोकेस हाउ टू क्लीन योर वाइजर. When you, when it is, in 10 minutes, sorry, no, yeah. 30 seconds, man. Okay. So what you want to do is, take it out, go to the wash basin, wash it with some soap and take a microfiber cloth and a helmet cleaner. So I've put it in a sanitizer bottle. It's quite handy, you know, small pack for the rides. You must have a microfiber cloth. That is how you can clean it. That's it. हम भी अपना helmet visor साफ कर रहे हैं with this spray. ये कोई company का था specific? नहीं नहीं, वो Amazon पे मिलती पूरी bottle. अच्छा, okay. ठीक है भाई, इतना सफाई के लिए. बार बार. And कपड़ा, microfiber. So अभी नया helmet है ना, हमने कीड़े जो उसपे मरे हैं उसको रब भी नहीं करा है कि स्क्रैच वैच ना लग जाए. अभी कुछ दिनों तक तो प्यार से रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर वही HGC वाली हालत हो जाएगी. बट इसका वाइजर होपफुली हमें मिल जाएगा, अच्छी बात है. HGC का पूरे इंडिया में नहीं मिल रहा वाइजर हमें. थैंक यू भाई. भाई तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया. सचिन,
चल भाई थैंक्स, तू आया यहाँ पे। सो हो गया है सब कुछ सेट हम लोगों का एंड डन विद द ब्रेकफास्ट। टेक केयर मैन, बाय बाय। एंड यहाँ पे सचिन आया था भाई मिलने हमें, एक ही स्टेज अराउंड। सो आ गया भाई वो मयूर ढाबा पे हम लोगों से मिलने, बढ़िया लगा। एंड आगे बढ़ते हैं यार, अब अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा ना वो उस जगह पे होगा जहाँ पे वर्का की खीर मिलेगी, वही है टारगेट अपना। सो लेट्स गो।